जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जो बिवरणी मु आपण मानक देवाक जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशय द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 25 ज्ञान विज्ञान योग। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोयं नाभिजानाति लोको मामजं अव्ययम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यमरे आम समस्तंकु ज्ञान विज्ञान जोगर दिग्दर्शन देउछन्ति। परमात्मा कहउछन्ति, हे अर्जुन, जेहेतु मो मानव शरीर सहित अवतरित जहाकि अन्य समस्त मानव शरीर परि अज्ञ ओ मूढ़ व्यक्ति माने मते चिन्हि पारंती नहीं, से माने मोर महान प्रकृति को अनुभव करि पारंती नहीं। से माने किए जहा मो पूर्वरु कहि सारिछि, जेउ माने सांसारिक भोग खोजंती एवं सेई भोगर संतुष्टता पाइ से माने अन्य देवता मानंकु पूजा करंती, से माने हेउछंती अज्ञ ओ मूढ़ व्यक्ति। से माने मोर सर्वोच्च प्रकृति को जानंती नहीं, से माने भावंती जे मो मानव शरीर रे अवतरित होइतिबारु मो मध्य से मानंक परि जणे मानव जिए जन्म ओ मृत्युर कालचक्र दे सबुबले गति करे। सही अज्ञ लोक माने मते चिन्हि पारिबे नाही, जेहेतु मो जन्म ओ मृत्यु बिना मो अनंत अटे। श्रीकृष्ण परमात्मा प्रकाश करुछंती जे आमे तांकु चिन्हि पारिलु नाही, कारण से आम परि मानव शरीर नै जन्म ग्रहण करिथिले। तथापि जहा आमको बुझिबा आवश्यक, बोध हुए आमे सेठारे रहुथिलु जेतेबेले परमात्मा श्री राम एवं श्रीकृष्ण भावरे धरापृष्ठ को ओल्लाइ आसीथिले। किंतु श्रीकृष्ण परमात्मा जेपरि कहिथिले आमे सेतेबेले तांको चिन्हि पारिनथिलु, कारण से आम परि समान मानव शरीर रे थिले। फलस्वरूप आमे तथापि जन्म ग्रहण करिछु एवं जन्म एवं मृत्युर कालचक्र दे गति करुछु। बोध हुए सौभाग्यवशत सही समय रे आमे श्रीराम एवं श्रीकृष्णक ईश्वरीय पाद सहित संपर्क स्थापन करिथिलु। सौभाग्यवशत आमे वर्तमान मानव भावरे जन्म ग्रहण करिछु, तेणु अंतत पक्षे आसंतु परमात्मा को चिन्हिबा पाई चेष्टा करिबा। किंतु से वर्तमान कौनसी मानव रूपरे जन्म ग्रहण करिनांति, जहा शास्त्ररे कुहा जाइछि। परमात्मा निजे कहिछन्ति, परमात्मा आम समस्तंक पाई विग्रह आकाररे अनेक मंदिररे उपलब्ध, अतएव अंतत पक्षे आसंतु परमात्मांक समस्त विग्रह को चिन्हिबा, जहा श्रीराम श्रीकृष्ण नरसिंह एवं अन्यन समस्त रूपरे श्रीमन्नारायण भावरे परिचित। जन्म ओ मृत्युर कालचक्ररु मुक्ति पाइबा पाई सेमानंकु पूजा करिबा एवं श्रीमन्नारायणक निकटरे आत्मसमर्पण कलाबेळे आसंतु श्रीकृष्ण परमात्मांक शब्दकु सबुबेळे मने रखिबा ओ पुनरावृत्ति करिबा,
जय श्रीमन्नारायण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवत गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65-70 रे वर्णना करछन्ति। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति सही व्यक्ति माने मोर अति आपणार, जेउ माने मोर एही 8 उपदेश को मानन्ति आउ पालन करन्ति, मु मोर सही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे जेउ माने मोर एही उपदेश को मानन्ति एवं सेमानंक जीवन रे प्रतिपादित करन्ति। भगवान श्रीकृष्ण ठारु संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान शुणिला परे अर्जुन कहिथिले करिसे वचनम तवा, अर्थात हे श्रीकृष्ण मु आपणकर प्रतिटि वाक्य ओ उपदेश को पालन करबी। तार फल स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकार विजय ओ सफलता प्रदान करथिले। आसंतु से ही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्ण पाखरे यही 8 वाक्य पालन करिबा पई प्रतिज्ञा नेबा। आपण माने यही वाक्य को मन और हृदय रे ध्यान करंतु। ध्यान करिबा समय रे भगवान श्रीकृष्णकर छवि को मन मंदिर रे रेखांकित करंतु। जय श्रीमन्नारायण। यह हेउची सही 8 वाक्य जहाँ को आमे माने प्रतिज्ञा नेबा। हे श्रीमन्नारायण, आपणक निर्देश अनुसार मु सदा सर्वदा आपण को ध्यान करिबी। हे श्रीमन्नारायण, मु प्रतिटि मुहूर्त रे मो हृदय रे आपणक भक्ति अर्घ्य को प्रज्वलित करि रखिबी। हे श्रीमन्नारायण, मु मो जीवन रो समस्त कर्म आउ आपणक सेवा रे नियोजित करिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटि वाक्य और उपदेश रे मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि आउ मु संपूर्ण भावे निजकु आपणक पाखरे समर्पण करुछि। मु सदा सर्वदा मोर दुई हाथ जोड़ी आपणक श्रीपद रे प्रणिपात करुछि। हे श्रीमन्नारायण, मु सर्वदा आपणक वाक्य और उपदेश को मन मंदिर रे साईति रखिबि, जेमिति कि माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात मु सर्वदा आपणक शरण रे ही रहिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपण कहिथिबा वाक्य मा सुचा यही वाक्य को सर्वदा मने रखिबी। आपणक आश्वासन अनुसार मु सर्वदा आपणक सत्ता को अनुभूति करिबी, ता द्वारा मु निजकु भय ओ दुख ठारु दूरे रखिपारिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपण संसार कल्याण पाई श्रीमद् भगवत भळी जेउ महान ग्रंथ प्रदान करछन्ति मु प्रतिदिन गोटिए श्लोक पठन करिबी अथवा शुणिबा पाई प्रतिज्ञा नेउछि। हे श्रीमन्नारायण, आपण प्रतिटि मनुष्यर कल्याण पाई आउ दुख को हरण करिबा पाई जेउ श्रीमद् भगवत भळी महान ज्ञान प्रदान करिछन्ति तार प्रचार ओ प्रसार पाई सदा सर्वदा चेष्टा करिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटि वाक्य एवं उपदेशर पालन करिबा संगे संगे मु मोर दैनदिन व्यवहार रे ताहाकु प्रतिपादित करिबी। मु मो जीवनर प्रतिटि कर्म आपणक समर्पण करिबी। मो प्रभु श्रीमन्नारायणक ठारे मोर निष्ठा ओ भक्ति सर्वदा प्रज्वलित करि रखिबि। जय श्रीमन्नारायण। करिसे वचनम तवा, हे श्रीकृष्ण मु आपणक प्रतिटि गीता उपदेश आउ निर्देशकु मो जीवनर प्रतिटि कर्म रे संपादना करिबि ओ आपणक पादकमळरे मोर भक्ति यज्ञ प्रदान करिबि। जय श्रीमन्नारायण।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोयं नाभिजानाति लोको मामजं अव्ययम् ॐ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भक्तमानंकु एक विशेष अनुरोध, भक्तवृंद, आम जीवन रे आमे समस्त कामरे शीघ्र ओ यथार्थ फल पाइबा पाई आशा रखि थाउ। एही फल प्राप्ति करिबा पाई आसंतु प्रतिदिन गोटिए मिनिट आमे नारायण अस्त्रम पाठ करिबा किंबा सुनिबा। नारायण अस्त्रम पठन करिबा पाई दया करी www.narayanastram.org वेबसाइट को जानतु। ये वेबसाइट रे आपणक ईमेल दे रजिस्टर करंतु। तापरे आपण माने ईमेल द्वारा एक पीडीएफ फाइल पाइबे। यही पीडीएफ फाइल रे गोटिए रामायण श्लोक, गोटिए गीता श्लोक ओ गोटिए विष्णु नामम रहिछि। यही तीनोटीर मिश्रण को नारायण अस्त्रम कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न मिश्रणर नारायण अस्त्रम पाइबे। जेतेबेळे सबु भक्त अन्य 24,000 भक्त मानक सहित मिसी यही नारायण अस्त्रम को शुणिबे किंबा पठन करिबे संपूर्ण रामायण परायण गोटिए थर, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता परायण 33 थर, विष्णु सहस्रनाम परायण 24 थर संपूर्ण होइजिबो। आमे एहाकु प्रतिदिन पाठ कले किंबा सुनिले एहा आमकु कल्याणकारी ओ असाधारण फल प्रदान करिबो। दया करी जानतु। आपण मानंक परिवार ओ प्रियजन मानंक मध्य एही नारायण अस्त्रकु सब्सक्राइब करिया पाई प्रवतांतु। जय श्रीमन्नारायण।